In our previous vlog, YouTube and Triple Carry witnessed 4 different code zone safaris. Every time the outcome was bug marks बहुत दिखे but कुछ convert नहीं हुआ. बाग नहीं दिखा. अच्छा ड्रैगन है जी. हम सक्सेसफुल सफारी करके फिर से वापस आए. हम लोग वेट कर रहे हैं तत्काल लाइन पे. बंगालीज है यार हम लोग को दिख गया रॉयल बंगाली. बोला कुछ आ गया शेर आ गया. I'm taking back a lot of memories. This is the reason we travel. Good morning and welcome back to our channel Triple Carry. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं. आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग बांधवगढ़ में हैं और ये ट्रिपल कैरी का 8th डेस्टिनेशन है. ट्रिपल कैरी हैज टेकन अप अ चैलेंज टू ट्रैवल टू 12 न्यू डेस्टिनेशंस इन 12 मंथ्स. सो कीप सपोर्टिंग ताकि ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए. और ये मध्य प्रदेश सीरीज का आप लोगों ने अगर बाकी व्लॉग्स नहीं देखा हो तो प्लीज गो एंड चेकआउट. मैं लिंक डाल दूंगी इधर. आज हम लोग गए थे अपने 5th सफारी पे क्योंकि पिछले सफारीज पे हमें टाइगर नहीं दिखा था. तो 5th पे दिखा कि नहीं दिखा, आपको क्या लगता है? चलिए देख लेते हैं. बट बिफोर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब टू ट्रिपल कैरी. गुड मॉर्निंग यू गाइज. बज रहा है 4:30 एंड एज यू कैन सी कि मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ. 4 बजे होटल से वो लोग कॉल करके गए और बाप बेटे अभी तक सो रहे हैं. सप्तर्षि को मैं और 15 मिनट्स बाद जगाऊंगी एंड देन वी विल गेट रेडी. और सुबह तो जैसा है उसको और कपड़े पहनाऊंगी एंड देन हम निकल जाएंगे. और सो विश अस लक. आज टाइगर दिख जाए एटलीस्ट. मतलब हम बहुत ही अनलकी लोगों में से जा रहे हैं फिलहाल जिनको 4 सफारी के बाद भी टाइगर नहीं दिखा है. आई एम नॉट विजिबल इसलिए मुंह नहीं दिखा रहे. अपना सफारी स्टार्ट हो गया. जा रहे खिटौली गेट. गेट पे वेट कर रहे हैं. ये सब मंत्र पढ़ रहे हैं ताकि बाघ दिखे. बाघ बोलूंगा मैं, बाघ. सफारी स्टार्ट हो गया. वी हैव आशीष विद अस एंड आई होप ही ब्रिंग्स अस लक. ये बहुत क्लोज वाला मिल रहा है. नहीं रेयर तो है. हम ये बहुत क्लोज रुका हुआ है. इतना पास रुकते नहीं है. फ्रेश पंजे का स्पॉट्स दिखा तो सब भाग रहे वो स्पॉट के तरफ. देखना राइट में भैया. उन लोगों ने डायरेक्शन है. हाँ तो अज्यूम किया जा रहा था कि इधर ही होगा. तो उस साइड से दिखेगा तो दिख तो नहीं रहा. हम लोग और एक जगह जा रहे हैं. हाथी भी चल रहा था. अंदर कट गए क्या है? इधर भी. हाँ इधर भी है. क्या साउंड आ रहा है? मैं तो बैटिंग में है. अच्छा अभी एक कितना दूर से आया है बगल में पहाड़ी टाइगर ग्राउल ना आया. बाप रे इट वाज फाइन चिलिंग. दिखेगा हां कहीं है. बाप रे बाप की आवाज है. ड्राइवर भैया बोल रहे हैं मीटिंग का आवाज है. यही कहीं पे इधर से आवाज आई. ये एग्जैक्ट पहाड़ी के पीछे से आ रहा है पर उस पार तक ट्रैक नहीं है. चला चला फिर एक वार्निंग कॉल मिला, मीटिंग ग्राउंड एवरी 15 मिनट्स आता है, तो हम लोग वेट कर रहे थे 15 मिनट्स, बट और एक वार्निंग कॉल आ गया दूसरे साइड से, तो वापस जा रहे हैं। मेल फीमेल होंगे साथ में है ना? ये तो लगता है मेल का पंजा है। इट्स ऑलमोस्ट 8:30, अभी तक कुछ नहीं देखा। इतना इजी हो जाए तो डियर जैसे तो हो जाए, वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इतना इजी टाइगर दिखना हो जाए। स्पॉटी रहती थी, सोलो रहती थी। जब से सोलो स्पॉटी गई थोड़ा सा मक्तम हो गया ताला। स्पॉटी क्या मर गई ना ऐसे कुछ? हाँ, फैट में। किस में? फाइटिंग घर में घुसा लड़ते हैं, मार डालते हैं। कजरी तो रिकॉर्ड बना रही थी ना, और थोड़े दिन खुली रहती तो अभी आंकड़े कितने बढ़ जाते उसके। पांच आदमी को मार डाली, नहीं जान से खत्म नहीं कर दी ना पूरा, मारी एक दो को ही है, पर बाकी को घायल किए। वो तो जा रहा। चलो कांग्रेचुलेशन सबको। थैंक यू YouTube। ये तो ले लो, आगे ले लीजिए, आगे ले लो। अरे भाई साहब धीरे-धीरे बढ़ो। बोला है ना उससे पहले थोड़ा आगे ले। हां फर्स्ट कर, आस्ते आवाज करो, बेचारा भाग जाएगा। अरे मैं पसंद तो नहीं रखते ना, निकल आती तो रोड में ये सब घुसेड़ दिए गाड़ी। अरे रुक, हां हमारा गाड़ी सबसे आगे था, अरे सबसे पीछे कर दिए यार। भैया गाड़ी लेओ ना आगे थोड़ा प्लीज। भैया बैठ जाएगा। नहीं वो नहीं, मार्किंग कर। हां लेओ ना आगे, थोड़ा दबा लेना यार मुनुआ। अरे थोड़ा जान दो यार, आस्ते आवाज बस मत करो। हम निकाल लो, ले रोक ले, जान दे। नहीं अब चलो, तुम चलो ना आगे, तुम वो ना पहले नंबर पे ले लो, आगे ले लो। अच्छा जान दे बराबर, खूब ले पड़ा है पंकज। देखे मोनू बताए मोनू, आवाज नहीं भैया। भाई हो गए बहुत कुछ भैया। रास्ता पकड़ के चल रहा है, अब घुस जाएंगे अंदर। घुस जाएगा, गया। लो अभी मुझे लग रहा है इतना बैठेगा ये। बहुत बढ़िया आता ना, ठीक है पर अच्छा था। हम लोग बंगालीज हैं यार, हम लोग को दिख गया रॉयल बंगाली, पर मेरे शेर को नहीं दिखा, मेरा सो रहा है अभी। सो फाइनली सबर का फल मीठा होता है, फाइनली सबर। हर दरहा मतलब एज्यूम किया जा रहा है वो दरहा की बच्ची है, इट वाज अ फीमेल। अभी वेट कर रहे, अगर फिर से निकलती है तो, बट आई एम मोर देन हैप्पी। गुफा आगे, अच्छा वो जाके लेट जाएगा क्या? अभी वो नाले में जाती है तो फिर फुर्सत। हां फीमेल दरहा फीमेल उसके बच्चे हैं तो। हाँ अभी आए हैं, रुके हैं सेंटर पॉइंट पे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हाउ डू यू फील? रिलीव्ड। हाउ डू यू फील? एक्साइटेड, अमेज्ड, एंड डोंट आस्क मी हाउ आई फील, माय स्माइल शुड टेल यू ऑल। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आशीष and we love his enthusiasm and his love for wildlife. Also a reason why we were so excited as a group क्योंकि वो push हमेशा ये करो भैया ये करो. I think उधर call है. In fact last call भी वो सुन के बोला निकलेगा निकलेगा and we went and we saw what we saw. हाँ नहीं आप लोग के बारे में सुन रहा था कि मेरा जैसे ही हालत है दिख नहीं रहा है. फिफ्थ हम लोग का भी है तो फिफ्थ में दिखा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और 1-1.5 घंटा बचा है सफारी का और दिखेगा तो फिर दिखाएंगे. चलो भाई मदाई में भी मदाई में देखा मतलब कि 4 बार सफारी करने गए. नाइट सफारी में भी देखा, हंटिंग करते हुए भी देखा लाइव. खुश हो जाओ भाई, बुकिंग हम लोग ने किया है एकदम ढूंढ के. लाइव सांभर मारा उसने. कितना एक्साइटिंग होगा नहीं, तो डरावना भी होगा. मतलब जो वहाँ अपना एक ही इवनिंग लिया है परसा पानी, उसमें हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे अपना खुद का गाड़ी. तो वो वाला एक्सपीरियंस के लिए ही सतपुड़ा जा रहे हैं हम लोग. इसीलिए गाड़ी लेके ट्रैवल करते कि अपना इंडिपेंडेंस रहता है. सतपुड़ा इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट अस. सब कोई अच्छा अच्छा रिव्यू दे रहा है. अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू सुमित. सुमित ने पूरा बुकिंग किया चूड़ना सतपुड़ा. ही हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. आज का मेन्यू के बारे में थोड़ा बताइए मतलब. पूरी और सब्जी चाय का देखने के बाद तो और भी टेस्टी लग रही है ना. गाइड जी और ड्राइवर जी भी शामिल थे पर वो लोग अभी उधर एक साथ खा रहे. आशीष भाई को इतना देर से ढूंढ रहे. आशीष भाई इधर है. तो अभी टाइम हो रहा है और 9:55 एंड इसके बाद 1 घंटा बचा है. पीछे भी है इधर बस. साइटिंग का पूरा लॉटरी लग गया आज. इंडियन गॉड तो जितने भी पानी में लकड़ी है ना साल की भी लाइफ 300 वर्ष होती है. पुजारी मेल टाइगर है इस खितौली जोन में. हाँ. वो इस दर्रा तालाब में आके नहाता था इसलिए उसका नाम पुजारी रखा. वो सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग नहाता था और फिर अपने पैर दोनों पेड़ पे रखता था. इसके बाद वो अंदर जाता है या कि फिर. आशीष अपना पुराने वीडियोस दिखा रहा है बांधवगढ़ वाला. ये भीम है छोटा भीम. इसका साइज देखो. साइज से पता चलता है ना. ये है वीडियो में जमोल दिखेगा आपको. इसमें भी जमोल का साइज दिख जाएगा. क्या ठहराव से जाते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे. क्या किया सी अरे गाड़ी से खींच के बाहर निकाल दिया. बाप रे बाप. करीब 35-40 गाड़ियाँ थी. तालाब में बैठा था कीचड़ में. हाँ. मैं वही था. हाँ हाँ. तो वो कीचड़ से उठ के आया उसके ब्लड बह रहा था. हाँ. तो आप फोटो के चक्कर में साइड ऐसे आ रही गाड़ी वाले साइड नहीं दे रहे. चल रहे लाइन से गाड़ी. 25-30 गाड़ियाँ थी. एलिफेंट भी था. तो ऐसे जब साइड नहीं पाई तो एकदम से आई गाड़ी से बगल से गाड़ी में कूद गई. और गाड़ी में कूद के यहाँ पकड़ लिया अंग्रेज को और खींच के यहाँ पता काटने लगी. 30 गाड़ी के पतले का हल्ला की ये चिल्ला कूदते गाड़ी भाग गया था. छोड़ के भाग गया. राजवर्धन शर्मा हुनर थे होटल. हाँ हाँ राजवर्धन वर्मा वही. 4-5 वो मेरे को बताया है कोई कि वो खुद ही गाड़ी चलाते थे. 4-5 गाड़ियाँ थी उनके ग्रुप में. हाँ तो वो भी थी वैसा में था. अच्छा तो वो उन्हीं की गाड़ी में थे क्या. हाँ, हाँ. नहीं उनके गाड़ी दूसरी गाड़ी में थे वो. अच्छा पर और उसने हल्ले में तो फिर वो दौड़ा दूसरी गाड़ी से. डंडा उठाया 2-3 डंडा लगाया उसको. तो डंडा सड़ा हुआ था बांस का. टूट गया. वो तो पकड़ा हुआ छोड़ा ही नहीं रहा था. फिर उसने पूछ पकड़ा और गाड़ी के गेट पे पैर लगाया और खींचा जोर से तब नीचे गिरा. नीचे गया तो झंझट हो गया था. वो झंझट हो गया. फिर से एक नहीं उठी और चली गई. फिर वहाँ से भागे उसको तुरंत लेके हॉस्पिटल लाए. हॉस्पिटल थोड़ा दवा ट्रीटमेंट करवाए. बच गया. फ्रांस वापस भेज दी. हाँ जबलपुर से दिल्ली में कांटेक्ट वगैरह सब किए. इसमें वाइफ वीडियो बना रही थी. उसमें वीडियो बना रही थी. उसके बाद तुम कभी मत करना मेरा बचाना मेरे को. ऐसे तो हस्बैंड तो दूसरे मिल जाएंगे. ये भगवान. फ्रांस ने इंडिया में आने जाने पे पाबंदी लगा. 4 साल के बाद में जिसके ऊपर अटैक हुआ था उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेकर के आए. यहाँ गवर्नमेंट भी दिए अपने जान को नहीं देते. अपने जान को के उसके ऊपर उनका जान बचाया. पैसा वैसा बहुत पाया. वो विदेश खूब दिया उनको. सब टूट गए थे. राजवर्धन जी वो मतलब वो अभी भी जिंदा है नहीं. खत्म हो गए 2 साल में. ये बांधवगढ़ का लास्ट 4-5 दिन से इतना स्टोरी सुन रहा हूँ आई एम टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज. बहुत इन्फॉर्मेशन पता चला बिकॉज वी हैव इंटरेक्टेड सो मच. गाइड के साथ बोलो, ड्राइवर के साथ बोलो, एंड देन वी हैव लवली गेस्ट लाइक आशीष हु इज़ वेरी विलिंग टू हेल्प. सो आई एम गोइंग होम, गोइंग बैक विथ अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम कमिंग बैक टू बांधवगढ़ फॉर श्योर वेरी सून. एग्री? एब्सोल्युटली. आनंदिता को एक डेस्टिनेशन 2-3 बार पसंद नहीं है, बट आई लास्ट हर. डू यू वांट टू कम बैक? या समडे. समडे. मैं तो इंट्रोड्यूस करने भूल ही गया, सॉरी. बहुत ख्वाहिश है. दिस इज सुल्तान भैया. सुल्तान भैया जी सर. सुंदर सा चेहरा दिखा दो इधर कैमरा. बिल्कुल. हाँ, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर इन दी बांधवगढ़ फॉरेस्ट फॉर आई डोंट नो 85 से, मतलब इवन व्हेन आई वाज नॉट बोर्न. And she is प्रतिमा, मेरा second year है. She is our guide, female guide. इसी साल चालू हुआ है ना? दूसरा साल है हम लोग का. बस फ्रेश. ये फ्रेश इसलिए गाड़ी गई है. गाड़ी के ऊपर देखो. अरे हाँ, ये जगह में चलिए देखते हैं सामने कुछ. We are going to search मेल टाइगर. है ना? महीना का 150 कटते थे. हाँ. 25 किलो चावल मिलता था, 25 किलो गेहूँ, और अपने सोयाबीन का 5 किलो तेल, 5 किलो दाल मिलता था. अरे वाह. 150. तो पैसा तो पूरा बच जाता होगा. 300 रुपया, 320 रुपया हो गया. थोड़ा बहुत हम खर्चा होते थे. 85 की स्टोरी है. दूर पे दूर वो वहाँ पे स्टॉर्क बैठा है. बहुत सारे बर्ड्स है. अपना फोटो रेडी. फोटो खींच रहे. 11 बज चुके हैं एंड वी आर अबाउट टू लीव द पार्क. लास्ट 2 days एवरी डे आई हैव बीन टेलिंग दिस. कुछ दिखा नहीं. अभी गेट से निकल जाएंगे, बट टुडे लास्ट सफारी में आई एम टेलिंग यू गाइज कि ये अनसक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल वन था. दिस साइड इज खितौली, दिस साइड इज मगधी. पूजा पाठ करते हुए सर. ये पूरा मोबाइल ही है. अच्छा, मोबाइल ही है. हाँ, काफ़ी सारा एक्सीडेंट्स हुआ है, तो गाड़ी को मॉनिटर करने के लिए स्पीड वगैरह कहाँ जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, वो सब देखने के लिए अभी जीपीएस डाल रही है. 2 years से चालू है. अच्छा लगा मिल गई. थैंक यू. मतलब बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रहा हूँ. वन ऑफ देम इज यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग एंड टॉकिंग. थैंक यू. ये देखो, ये आयांश, ये लोग से उधर साथ कल के सफारी गए थे. अच्छा. और ये भी आयांश. और टाटा कर दो. फ्लाइंग किस. एक तो फ्लाइंग किस. हाँ, ये भी दिया. चलो, हैव अ वेरी गुड वन. एंजॉय करो सब. अभी एक पैसेंजर लोगों का टायर पंक्चर हो गया है, पूरा फ्लैट हो गया है, तो सप्तर्षि गए हेल्प करने. हमारे पास इन्फ्लेटर था. हो रहा है. हाँ, चालू हो रहा है वो. स्टार्टिंग द कार. गाड़ी जस्ट स्टार्ट करो. ऐसी बंद कर दो. क्या लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि दिख गया है आज. लौट गए हैं हम रूम में. और एक चीज़ आप लोगों को बताना था. आप लोगों ने अगर ट्रिपल कैरी का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने उसमें बताया था कि हमें ट्रैवल करना क्यों पसंद है. बहुत सारे रीज़न्स हैं. उसमें से एक रीज़न है कि हम दूसरे लोगों को मिल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, एंड वी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. तो आज ना बिल्कुल वैसा ही हुआ. हमें 2 ऐसे इंसान मिले, सुल्तान जी और आशीष जी, और उनसे हमने उनकी एक्सपीरियंसेस सुनी, उनकी कहानियाँ सुनी, उनके सुख दुख के किस्से सुने, एंड आवर हार्ट इज़ फुल एंड कंटेंट. दिस इज़ द रीज़न वी ट्रैवल. सो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस. अभी तो दिन बाकी है, ट्रिप भी बाकी है. आज का दिन शायद हम रेस्ट लेने वाले हैं. रिसॉर्ट में बताएंगे. थोड़ा बहुत शायद निकलेंगे. एल्स और भी सारे प्लान्स हैं. आप लोग भी ट्रैवल कीजिए क्योंकि बहुत मज़ा है और ये नशा अच्छा नशा है. इट्स 12:11 नाउ. स्तुवान को फ्रेश करूँगी, मैं फ्रेश हो जाऊँगी, और सप्तर्षि अभी तक आया नहीं है. हम रिसॉर्ट पहुँच गए, वो हेल्प कर रहा है उन लोगों की. सो वी विल मीट एट लंच. क्या मस्त सीन है ना. तो उधर भैया को हेल्प कर दिए, उनको वो टायर वायर जो काम था वो करके आए एंड आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई कुड हेल्प हिम एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी व्हाट आई हैव डन। ये टाइगर देखने का जोश में मैं इसको इधर लेके आया। ऑब्वियसली अनिंदिता भी घर पे, आई हैव नॉट ब्रॉट माई फैमिली, दैट्स वाई आई कुड मास्टर एनफ करेज टू ब्रिंग द कार हेयर। बीच में वो भी एकदम कच्चा सड़क है, वो जस्ट बीन लेड, मडी टाइप्स है एंड आई थॉट वाई नॉट। एंड सोच रहा हूँ बिकॉज सक्सेसफुली विदाउट कोई हिकअप्स आया है। आफ्टरनून आफ्टर वी हैव लंच शुभब्रतो और अनिंदिता दोनों को लाएंगे इधर। लुक्स लवली यार। As soon as I entered the resort, I got some more news. जैसे अपन 3 बजे आए कल रात को ना, हाँ, तो उसकी वजह से अपन रिसोर्ट के अंदर घुसे, हाँ, आधे घंटे बाद उसके जो ताज है, हाँ, ताज के सामने से क्रॉस किया है, वहाँ से लेफ्ट। अच्छा, उधर वो भी था ना कल, सांबर था ना, सांबर। अभी पंजे भी है, अभी पंजे भी है। ये देखिए क्या कर रहा है, टिश्यू से स्पून पोंछ रहा है। ये कहाँ से सीखा है इसने? वो बिल्ड अप होता रहता है ना, नेक्स्ट टाइम और भी कुछ वही मीट तूफानी करेंगे, वही मीट करना है, एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना है, फिर उसको मीट करना है। चलिए सर, ओके, सी यू, गुड बाय। ही इज द ओनर, ओके, एंड Zishan here takes care of all the admin and management, he is the manager here and needless to say he has been amazing, so has been the whole staff and Zishan is the one whom I connected with. अमृतसर में जो हुआ, हाँ हाँ हाँ, I was very skeptical कि मनी ट्रांसफर नहीं करना है, नहीं करना है, बट देन चाचा जी बहुत अच्छा रिव्यू दिए। इन लोग से भी रिव्यू ले लो, सेम ही रिव्यू है एंड वी आर अमेज्ड। और ये झूठ का तारीफ नहीं है, पेट प्रमोशन नहीं है, ये एकदम दिल की बात है। तो अभी लंच वंच हो गया। लंच आज दिखा नहीं पाए क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो उसी को एग्जीक्यूट करने अभी निकले हैं। ताला गेट जा रहे, क्यों जा रहे वो भी दिखाते हैं। अभी वेडिंग का सेलिब्रेशन देखा, काफी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। अलग अलग कल्चर का वेडिंग सेलिब्रेशन देखने में अच्छा लगता है। पिछले महीने उड़िया वेडिंग देखे, उन लोग का अलग सेलिब्रेशन है, इधर आज MP का सेलिब्रेशन देखे हम लोग। ये रहा ताला गेट और हम लोग क्या कर रहे हैं देख लेना, और लिंक डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। खड़े हैं हम लोग मार्केट में, काला मार्केट पे। ये सुवेनियर शॉप जाना है, बस एक फ्रिज मैग्नेट एज अ मेमोरी रखना है। दिस इज द शॉप। हाँ, तो आज का नाइट सफारी हम लोग चालू कर रहे हैं। साथ में है भैया जागेश्वरी यादव। दोनों से मिल चुके हैं हम लोग, पर फिर भी नया व्लॉग है बोलकर फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए। ये आज ये लोग लेके जा रहे हैं हम लोग को इधर। कुछ दिखेगा तो बताएंगे, दिखाएंगे, और कुछ नहीं भी दिखेगा तो एक्सपीरियंस मेरे साथ है, जी जी, वो मैं हमेशा रिलीव करूंगा। और साथ में अपना टेडी भी है। चलो, रोड तो मस्त दिख रहा है। क्विक फैक्ट, हम लोग अभी धामोकर जोन में हैं। गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये मगधी का सेंटर पॉइंट है, 2 नंबर गेट का। ये सब मुझे कुछ नहीं पता, ये लोग बता रहे हैं इसीलिए आपको बता पा रहे हैं। आज का पहला साइटिंग सांबल है। तो वो उधर में बच्चे हैं, बच्चे हैं। इसको बोलते हैं असली मजा, इसको बोलते हैं एकदम देसी बॉनफायर। हम लोग इधर थोड़ा आग सेक लेंगे। ये है नीलेश का गांव, नीलेश का घर भी यही है। तो नीलेश हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस। वो अपना घर लाए हैं, और क्यों लाए वो भी कुछ देर में पता चलेगा। इतना नीट और क्लीन स्काईलाइन हम लोग को सिटी से नहीं दिखता है, और वही कोशिश कर रहा है अभी शुभब्रतो फोटो खींचने का। ये इधर फोटो खींच रहे थे, और वो दिखाओ थोड़ा लाइट पे, वो गिर गया। दिखाओ वो, ये जितना धमाके से गिरा उससे कई बार धमाका इधर हुआ। दिखाओ दिखाओ, इसको दिखाओ। ये मेरे ऊपर आके गिरा, बोला कुछ आ गया, शेर आ गया। तो फोटो खींच रहे आराम से, ट्राईपॉड वाईपॉड नीचे, उसका फोन नीचे, ये भी नीचे। और भैया लोग बता रहे थे कि कल आया था इधर शेर, चाल गाय को मारा, 2 गाय को। रहेंगे चौकन्ना रहते हैं, हाँ, माने की जानकारी रहती है कहाँ शेर है कहाँ क्या है। बकरी को पकड़ते हैं तो जब आवाज आता है तब पता चल जाता है ना कि इधर आया हुआ है। ये कौन सी गांव है? ये गौड़ी गांव है। गौड़ी गांव से पहले मगधी जून गेट यहीं से था। अच्छा। और 2012 में बंद हुआ। मेहमान नवाजी चल रहा है। थैंक यू सो मच। ये देखो। हाँ, गायक है अपना। जिंदगी में बहुत कुछ करोगे पर ऐसा एक्सपीरियंस मुश्किल है मिलना। तो चलो चाय का मजा लेते हैं। हाँ, डायरेक्टर थे यहाँ जंगल का। तब 2014-15 की बात कर रहे हो ना? हाँ। भाई क्या टेस्ट है। फर्स्ट सिप। मैं चाय नहीं पीता, बहुत लोग जानते हो तुम लोग, मैं चाय नहीं पीता, पर नीलेश का ये ऑफर मैं मना नहीं कर पाया। क्या टेस्ट है भाई, इनसे पूछ लेते हैं। अभी 11:45 बज रहा है और सप्तर्षि, टेडीरा और भी दो लोग होटल से सब गए हैं अपने सफारी पे, तो आपके किस्से सुनूंगी। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और खाना लगा देने को बोला है मैंने। वो लोग बस 10 मिनट में आ रहे होंगे। आज थोड़ा लेट ही हो गया, खैर कोई नहीं, आखिरी रात है। समोद सफारी है। अच्छा। मर्दरी गांव में अपन आ चुके हैं, जो अपना वाइल्ड लेवल से लगा हुआ है। हाँ 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 हाँ। आज से समोद उन्हीं के है। अच्छा। और ये मतलब एक्टिव प्रॉपर्टी, इधर लोग रहते हैं? हाँ, ये रहते हैं। अच्छा अच्छा। धामोखर 5 किलोमीटर। जो अपने भैया खड़े थे वहाँ पे। हाँ हाँ, वो ड्यूटी करते हैं। हाँ, छोटा छोटा कॉटेजेस है। ये धामोखर विलेज से जा रहे हैं हम लोग। बैक एट द होटल। इट्स ऑलमोस्ट 11:15। तो वो ये नीलेश 15 मिनट इतना लगता है। वो मुझे नीलेश सारे जानवर मिलके जैम बनाए थे ना। पापा पापा चलो खा लेते हैं। हाँ। और थोड़ा आने को रहता है। हाँ हाँ, तो ये सब बातें वो सुन लिया तो पता नहीं उसका दिमाग में डर है क्या था। तो मैं अपना फोटो लगा रहा था कि तारे वाले का फोटो ले, तो मैं लगा रहा हूँ, अचानक से वो एक फेंस का कुछ गिर गया, कुछ आवाज आया, मेरे ऊपर से कुछ गया है। फिर लाइट जलाया टॉर्च में, कैमरा गिरा हुआ है, ट्राइपॉड गिरा हुआ है, मेरा दोस्त भी गिरा पड़ा। वो गोबर वोबर पूरा समेट के। गुड मॉर्निंग। और ब्लॉग अभी एंड हो जाएगा। नाइट सफारी से आने के बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस किए कि आज का प्लान क्या करना है। डिनर के बाद नीलेश लोग से बात की, नीलेश जिन्होंने हम लोग को एक मौका दिया मस्त टाइम गुजारने के लिए। हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करने के लिए और पेश करने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। जबलपुर जाते वक्त भी कुछ कुछ साइट सीइंग का प्लान्स है। इस व्लॉग में बहुत कुछ दिखाए। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, शब्बा खैर, गुड बाय।